हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू आवर चैनल. वेलकम बैक टू दिस व्लॉग. एंड टुडे इज मंडे. सानू पे छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना है, ट्यूशन ही जाना है सिर्फ. आई एम ऑल सेट फॉर द डे, रेडी हो गई हूँ. एंड न्यू वीक हैज स्टार्टेड. और कब से सुशांत का ना डाइस ही हो रहा है. 99% इतना था कि मंडे को शाम को यहाँ से 6 बजे निकलने वाला था. मंडे को रात को उसका फ्लाइट था मिडनाइट, बट अभी तक टिकट नहीं आया. अभी मंडे का ट्यूसडे हो गया है, तो उस हिसाब से दीप्ति ने आज छुट्टी लिया है. मतलब सैटरडे को भी छुट्टी लिया, संडे भी और मंडे भी, सो दैट शी कैन स्पेंड मोर टाइम विथ सुशांत. एंड उसके बाद अभी उसको जाना ही है 4-5 महीने के लिए, फिर आएगा 5-6 महीने के बाद. सो लेकिन आज भी उसका टिकट अभी तक आया नहीं उसके हाथ में कि फाइनली आज फ्लाई करना है. तो ही लाइक शायद कल के लिए आ जाएगा, ट्यूसडे के लिए. तो जैसे उसका टिकट आएगा ही इज गोइंग टू फ्लाई. सो वेरी सून आई विल शो यू जब भी उसका आएगा टाइम. सो यहाँ पे ये बहुत दिन से मैंने आप लोगों को कुछ भी दिखाया नहीं, आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम ओनली. सो फाइनली ये कड़ी पत्ता का ना जो है ये 3rd to 4th time रीग्रोथ हुआ है. मैं इसको पूरा बोलते ना खाली कर देती हूँ यूज़ कर करके, तो नया नया आता है. देखिए यहाँ पे भी सब नया नया आ रहा है, क्योंकि रख रख के कोई मतलब नहीं होता. इसके ऊपर ना ऐसे स्पॉट्स आने चालू हो जाते, तो आई वॉज लाइक वेस्ट करने से अच्छा तो मैं इसका फ्लेवर यूज़ कर लूँ. सो इसके लिए ये ऐसे ही है. और ये जासवंती का, इसको भी बहुत सारे जासवंती आने वाले हैं यहाँ पे. 1, 2, 3 इसको आते ही रहता है, ऑल्टरनेट 2-3 दिन में फ्लावर्स आते ही रहता है. एंड गेस वॉट इज़ दिस, ये देखिए कहाँ से ग्रो हो रहा है. यहाँ से ग्रो होते 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 कहाँ से वो कहाँ पहुँच गया, ऑलमोस्ट पूरा पूरा ऊपर तक पहुँच गया. देखिए एकदम रूफ तक पूरा टच हो गया. अमिता यही बोल रही थी, हमें उसको बोले अभी ऊपर के फ्लोर पे ना चला जाए करके. और साइड साइड से भी आने लग गया. देखिए साइड से भी इधर आ गया है, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, साइड से भी आ रहा है, वो बाजू चला गया है. देखिए वो साइड भी चला गया. बेसिकली वॉट इज़ दिस, दिस इज़ करेला. ये मम्मी ने करेला का जो बीज था ना उसको यहाँ पे डाल के रखा था, तो प्रॉपरली धीरे धीरे ग्रो होते होते आ गया. और इसमें ना फ्लावर भी आ गया. मैं अमिता को वही बोली थी पहले फूल तो आ जाए, तो चले बताइए फूल भी आ जाएगा. तो यहाँ पे ये देखिए येलो कलर का छोटा सा फ्लावर आ गया है. तो अभी फ्लावर आया है तो थोड़ा चांसेस ऐसा लग रहा है कि शायद करेला आ जाए. मैं मम्मी को बोली एक भी करेला अगर आया ना तो बहुत खुशी की बात हो जाएगी कि एटलीस्ट एक करेला तो आ गया. तो ये तो बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ रहा है, बट पता नहीं किसमें करेला कब आएगा. ये जस्ट वेटिंग. मम्मा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते ही रहती करते ही रहती. तो ये यहाँ तक तो ग्रो हो गया. मैं कब से सोच रही थी, जब ये यहाँ पे था ना इतना, उस दिन से ही सोच रही थी कि मैं व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी करके. बट वहाँ से पहुँचते पहुँचते मुझे कहाँ चला गया, तब आज फाइनली उसका डे आया है दिखाने का. तो लेट सी, आई जस्ट क्रॉस माय फिंगर कि इसमें एटलीस्ट एक करेला तो आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है. और इसके करेले का लीफ भी कितना सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है दिखने में, कितना प्यारा दिखता है. तो आई जस्ट होप एक तो करेला इसमें आ जाए. अगर आता है तो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, अगर नहीं आएगा ना तो भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि करेला नहीं आया. तो फाइनली डे हैज स्टार्टेड. आज कुछ भाजी नहीं था, बैंगन है. बैंगन तो कोई खाएगा नहीं घर पे, इसलिए मैंने दीप्ति को बोला आज बटाटे का काचरा बनाते और अम्बट वरण बनाते येलो वाला, एंड चपाती काकड़ी टमाटर कांदा डाल के रायता जैसा बना देते. राइस है, अचार है, पापड़ है और गुलाब जामुन बनाना है. सो लेट्स सी गुलाब जामुन कब बनेगा, बिकॉज सुशांत इज गोइंग टू फ्लाई और मेरे पास गिट्स का पैकेट भी था, इसलिए बिफोर ही फ्लाइज तो एटलीस्ट एक बार तो बना दूँ जाने से पहले. तो 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ बनाऊँ करके, बट नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिल रहा था. तो आज तो शायद मैं बना ही लूँगी दीप्ति के साथ, हम दोनों मिलकर बना लेंगे. तो लेट्स सी, लेट्स गो आउट एंड सी कौन कौन है घर में अभी अवेलेबल. निशु तो आज मॉर्निंग शिफ्ट है, इसलिए मॉर्निंग में ही चले गए, क्योंकि सुशांत जाने वाला था. तो ये बोले मैं मॉर्निंग लेता हूँ तो शाम को आऊँगा ना, तो सुशांत को छोड़ने जा सकता हूँ. बट सुशांत का अभी तक टिकट ही नहीं आया, तो निशु ने तो मॉर्निंग लिया था तो वो मॉर्निंग के हिसाब से चले गए. शाम को आ जाएंगे काम पे से. अभी कल अगर सुशांत का टिकट आता है तो कल वो चला जाएगा. फिर आज पूजा करने का ड्यूटी दीप्ति के ऊपर आया है. दीप्ति इज डूइंग पूजा, हो गया उसका पूजा करना झालं ना झालं. एकदा सगळ्यांना ना हाय गुड मॉर्निंग बोल, तेवढा आवाज तरी ऐकू येईल. तो शी इज डन द पूजा. मम्मी ऍक्च्युली गई नीचे डॉक्टर के पास सुशांत के साथ. मम्मी को आज फॉलोअप के लिए बुलाया था उसके लिए. सो दीप्ति का ऑलमोस्ट हो गया. और सानू इज एन्जॉइंग टीवी. ये देखिए नानू, ए नानू टोन भी नहीं हो रही, किसी बदमाश है. सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ बदमाश सुनाई दे रहा है, फिर भी नहीं उठ गई है. ब्रश करके नाश्ता कर लिया उसने और अभी शी इज एन्जॉइंग टीवी. जब मम्मी अभी आएगी ना डॉक्टर के पास तो उसका मराठी का रिविजन लेने वाली है, तब तक मैं सानू को फ्रेश करा देती हूँ. नानू काय बोलते, तुझा लास्ट पेपर राहिला है. हाँ काय बोलते, इथे बघून बोल कसं वाटतंय लास्ट पेपर आहे, मज्जा ना?
मस्त सुट्टी सुट्टी। फाइनली हम लोग ने गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे इतना देखिए मेरा बना के हो गया है। नाउ दीप्ति विल ज्वाइन मी को भी आएगा। कैमरा मैन सालू है दीप्ति विल ज्वाइन मी, उसका कुछ मेल कर रहा है, मेल कर रही है। और यहाँ पे बटाने का कचरा है एंड यहाँ पे मैंने शुगर का जो सिरप है ना वो भी बॉइल होने के लिए रख दिया है। हाफ ऑफ, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बहुत बार बताया कि मैं पूरा पैकेट एक साथ नहीं यूज़ करती हूँ, मैं हाफ क्वांटिटी पहला लेती हूँ। ये हाफ क्वांटिटी है, पहले इसको लेके इसका मैं ये गुलाब जाम बॉल साइज रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर वो सेकेंड राउंड लेती हूँ, तो वो क्या सूखता भी नहीं है और बनता भी अच्छे से। और दोनों साइज़ के हम बोलूँगे, द गोल वाला ऑल्सो एंड द चपटा वाला लंबा वाला ऑल्सो। जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। फाइनली द गुलाब जाम इज रेडी। ये एक राउंड रेडी हो गया और इसमें दूसरा वाला है। मैं हमेशा अलग अलग रखती हूँ, एक साथ मिक्स नहीं करती हूँ। और इस बार ना मैंने केसर वाला बनाया, केसर डाल के बनाया। सो लेट्स सी, बना तो अच्छा है, दिख रहा भी अच्छा है। पहले पापा के पास नैवेद्य दिखा देती हूँ और उसके बाद देन आई विल गिव सुशांत टू ईट, थोड़ा ठंडा करके, क्योंकि अभी भी थोड़ा ये ना रूम टेम्परेचर पे है और सुशांत को ऐसा पसंद नहीं, उसको ठंडा चिल्ड वाला पसंद है।